यूपी के मेरे सह देशवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगती हूं कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है और मेरी बात सुनने के लिए आपको मेरी कई गलतियों को झेलना पड़ेगा। मेरा नाम है सुरन्या अय्यर और मैं आपके सामने इस चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उनके अन्य इंडिया अलायंस सहयोगियों को वोट देने की अपील करने आई हूं। मैं दिल्ली में रहती हूं और इसलिए आप सोच रहे होंगे कि मैं यूपी चुनाव को लेकर क्यों चिंतित हूं। इसमें कोई सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली राज्यों में से एक है और 80 सीटों के साथ, जो देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में दुगना है, यानी लोकसभा की 15% सीटों के साथ, यूपी शायद किसी भी लोकसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। 2024 का चुनाव देश के लिए निर्णायक चुनाव है, डिसाइसिव इलेक्शन। अगर इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस रास्ते पर चलते रहने का जनादेश मिलता है जिस रास्ते पर वो अभी चल रहे हैं, तो वो हमारे देश में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जिन पर हम आगे चल के ना तो सवाल उठा सकेंगे और ना ही उसे पलटा सकेंगे। इसलिए इस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मैं आपसे, आपके साथी नागरिक के रूप में, समाजवादी पार्टी और उसके इंडिया अलायंस सहयोगियों के पीछे एकजुट होने की अपील कर रही हूं। इससे ही हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस देश में विपक्ष की आवाज जीवित रहेगी और हमारी लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं जीवित रहेंगी। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं आपसे अपील कर रही हूं कि आप अपनी सभी स्थानीय और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को एक तरफ रख के इंडिया अलायंस पार्टियों को ही वोट दें। एक और बात है, मैं आपसे मोदी जी के खिलाफ केवल नेगेटिव वोट के रूप में मतदान देने के लिए नहीं कह रही हूं। मैंने यूपी में भाजपा की तुलना में सपा उम्मीदवारों की गुणवत्ता पर अंग्रेजी में एक वीडियो बनाई है, आप उसे जरूर देखें। यूपी इलेक्शंस 2024, एसपी कैंडिडेट्स फार आउटशाइन बीजेपी ऑन एजुकेशन, टैलेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। मैंने उस वीडियो में उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आयोग में दाखिल किए गए एफिडेविट के आधार पर दिखाया है कि कैसे शिक्षा से लेकर समाज सेवा तक हर पैमाने पर सपा के उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवारों से कहीं आगे हैं। और यही नहीं, सपा के कुछ उम्मीदवार पूरे देश में सबसे उत्कृष्ट उम्मीदवारों में से हैं। मसलन कैराना से सपा कैंडिडेट इकरा हसन चौधरी, वो एक बेहद प्रभावशाली युवा महिला हैं। उन्होंने दिल्ली के श्री लेडी श्रीराम कॉलेज में हिस्ट्री में बीए, दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी और लंदन में विश्व प्रसिद्ध सोएस स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिग्री हासिल की है। फिर प्रतापगढ़ के सपा कैंडिडेट डॉक्टर एसपी सिंह पटेल हैं। डॉक्टर एसपी सिंह पटेल की बहुत ऊंची शख्सियत है। इनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और उन्होंने कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के दम पर यूपी के स्कूलों और कॉलेजों की सबसे प्रतिष्ठित श्रृंखला लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस की स्थापना की है, जिसकी राज्य भर में 15 शाखाएं हैं। लखनऊ पब्लिक स्कूल्स के छात्रों को पूरे देश और दुनिया भर में बढ़िया प्लेसमेंट मिल रहे हैं, जैसे कि इसरो में भी। पिछले 40 वर्षों में उन्होंने हजारों छात्रों को शिक्षित किया है, जिसमें किसानों के बच्चे भी शामिल हैं। इस प्रकार के उच्च योग्य, दूरदर्शी और जन उत्साही लोगों की हमें संसद में आवश्यकता है। विशेष रूप से भाजपा और संघ परिवार की बहुत खराब शैक्षिक योग्यता को देखते हुए, जिसके संबंध में मैंने अंग्रेजी में एक और वीडियो बनाया है जिसे आप जरूर देखें। उसका नाम है द मिडिल क्लास मिथ ऑफ द मोदी रेजिम्स कॉम्पिटेंस वर्सेस ऑपोजिशन इनकॉम्पिटेंस। यूपी में सपा के एक और उत्कृष्ट उम्मीदवार फरुखाबाद के डॉक्टर नवल किशोर शाक्य हैं।
वो एक कैंसर सर्जन हैं। उन्होंने लखनऊ और कायमगंज में कैंसर अस्पताल स्थापित किए हैं। और आप एक और प्रभावशाली महिला उम्मीदवार पर नजर रखें, गोंडा के सपा की श्रेया वर्मा। उनकी शिक्षा देहरादून के वेलम गर्ल्स स्कूल में हुई, जो शायद देश के का सर्वश्रेष्ठ गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। मैंने देखा है कि आमतौर पर महिला उम्मीदवारों के पास अपने पुरुष सहयोगियों की तुलना में बेहतर क्वालिफिकेशन होते हैं, भाजपा को छोड़कर, क्योंकि भाजपा के जो यूपी महिला उम्मीदवार हैं उनके पास उतनी अच्छी क्वालिफिकेशन देखने में नहीं आती है। दरअसल बीजेपी के कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो महज 8वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं पास हैं, और कई निर्वाचन क्षेत्रों में जहां दोनों पक्षों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, भाजपा उम्मीदवार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम है। उदाहरण के लिए धौरहारा में सपा उम्मीदवार लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी और एमए हैं, जबकि भाजपा उम्मीदवार 12वीं पास हैं। गाजियाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार एमबीए हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार 12वीं पास हैं। मुरादाबाद में सपा उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं, जबकि भाजपा उम्मीदवार 11वीं पास हैं। नगीना में सपा उम्मीदवार ने बीएचयू से एलएलबी किया है, जबकि भाजपा उम्मीदवार 12वीं पास है। रामपुर में सपा उम्मीदवार जामिया मिलिया इस्लामिया से एमए हैं, जबकि भाजपा उम्मीदवार 12वीं पास हैं। संबल में सपा उम्मीदवार आगरा विश्वविद्यालय से बीए हैं, जबकि भाजपा उम्मीदवार 12वीं पास हैं। शाहजहांपुर में सपा उम्मीदवार लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी हैं, जबकि भाजपा उम्मीदवार 12वीं पास है। उन्नाव में सपा उम्मीदवार ने कानपुर विश्वविद्यालय से बीएससी किया है, जबकि भाजपा उम्मीदवार एक आचार्य हैं। हाँ, हरियाणा संस्कृत आदर्श विद्यापीठ से वो पीएचडी होने का दावा करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी में बीजेपी का कोई उम्मीदवार ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन आम तौर में ये दिखता है कि सपा और कांग्रेस के कैंडिडेट उम्मीदवार बीजेपी के ग्रेजुएट उम्मीदवार सपा और कांग्रेस के ग्रेजुएट उम्मीदवार बीजेपी के कैंडिडेट से कहीं बेहतर कॉलेजों से निकले हैं। जनरली मैं ये नहीं कह रही हूं कि भारत देश जैसे देश में चुनावी उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन शैक्षिक पृष्ठभूमि की ये तुलना कि किस किस पार्टी के पास कैसे कैसे लोग उपलब्ध हैं, उनकी क्या कौशलता है और क्या अनुभव है, वो किस योग्य हैं, इसके बारे में पता चलता है। कोई तो कारण होगा कि पढ़े लिखे लोगों और उत्कृष्ट समाज सेवी को बीजेपी की तुलना में इंडिया अलायंस पार्टियों में अधिक जगह दी जाती है। दोस्तों, हमारा लोकतंत्र और वो गंगा जमुनी तहजीब जिसके लिए यूपी मशहूर है, बहुत गहरे खतरे में है। मोदी शासन के समर्थकों ने हमारे संविधान को बदलने की बात की है। आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ क्या चल रहा है। आपने देखा है कि मोदी शासन के पास विपक्षी नेताओं, यहां तक कि मुख्यमंत्रियों को भी बिना किसी मुकदमे के अनिश्चित काल के लिए जेल में डालने की व्यापक शक्तियां हैं। आपने देखा है कि कैसे शासन की विभाजनकारी और गलत धारणा वाली नीतियों के कारण से मणिपुर में अराजकता फैल गई है। अगर मणिपुर सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य नहीं होता तो किसी को ये साबित करने की आवश्यकता नहीं होती कि मोदी शासन भारत जैसे जटिल और विविधतापूर्ण राष्ट्र पर शासन करने के लिए खतरनाक और अयोग्य है। आपने बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों से गुजरात में क्षत्रियों और पश्चिमी यूपी में राजपूतों में असंतोष देखा है। आपको 21 दिनों तक केवल नमक और पानी के घोर अनशन पर रहते हुए लद्दाख के नेताओं की मोदी शासन की अनदेखी दिख रही है। आपने किसानों के साथ व्यवहार देखा है। आपने हिंदुत्ववाद के उत्सव और बढ़ते संस्थागतकरण इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को देखा है। आपने मोदी शासन के समर्थकों के बीच बहुसंख्यवाद और हिंदू अंधराष्ट्रवाद के प्रति अतृप्त भूख देखी है। अतृप्त भूख।
हमें मोदी शासन की सांप्रदायिक विभाजन और तानाशाही की भगोड़े रेलगाड़ी पर लगाम लगानी होगी। उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों, इसके लिए आपको 2024 के लोकसभा चुनाव को किसी भी अन्य चुनाव से अलग मानना होगा। इस 2024 के चुनाव में आपको एकजुट होकर लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष विकल्प के पक्ष में वोट देना होगा, जो कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य इंडिया अलायंस पार्टियों के रूप में आपके सामने हैं। मेरे जैसे लोग हिंदू अंधराष्ट्रवाद और डिक्टेटरशिप के खिलाफ बोलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोदी शासन ने इसे बहुत कठिन बना दिया है। जो प्रोफेशनल पीएम मोदी के नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, उनके संस्थानों और बिजनेसों पर हमला होता है। सरकारी एजेंसियों की जांच की आड़ में उनके ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस की कार्य करने की क्षमता अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी जाती है। ये रेगुलेटरी प्रोब बिना किसी निष्कर्ष के वर्षों तक चलती रहती है और इस बहाने खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। आखिरकार इस हमले का सामना करने वाले प्रोफेशनल को अपनी नौकरियों से बाहर होना पड़ता है। स्टूडेंट एक्टिविस्ट वर्षों तक बिना मुकदमे के जेल में सड़ रहे हैं। समाचार चैनलों और अखबारों को या तो खरीद लिया गया है या खामोश कर दिया गया है। मुझे बताया गया है कि विशेष रूप से हिंदी समाचार पत्र मोदी शासन के पक्ष में पूरी तरह से पक्षपाती हैं। कुछ बहादुर पत्रकार और मोदी शासन के आलोचक जो YouTube से बोल रहे हैं, उनके चैनल ब्लॉक हो रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान को सस्पेंड कर दिया है। आर्टिकल 19 और नेशनल दस्तक को नोटिस भेजा गया है। ध्रुव राठी और रवीश कुमार को, जो कि मोदी शासन के दो बेहद लोकप्रिय और खुले आलोचक हैं, मोदी शासन के समर्थकों की शातिर ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, जो आमतौर पर शटडाउन के लिए औपचारिक कार्यवाही की शुरुआत का सिग्नल है। ध्रुव राठी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके यूट्यूब चैनल के खिलाफ किसी भी दिन प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जब मेरे जैसे सामान्य नागरिक मोदी शासन पर अपना विरोध व्यक्त करते हैं, तो उसके आक्रामक समर्थक हमारे पीछे आ जाते हैं। वो हमें और हमारे परिवारों को धमकाते हैं। वो पुलिस में शिकायत दर्ज करते हैं, जिसमें वो जो देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, वो हम पर धार्मिक नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं, और वो जो हमारे समाज में लोगों के बीच दरारें पैदा कर रहे हैं और हमारे संविधान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, वो हम पर देशद्रोही का आरोप लगाते हैं। जनवरी में मैं अपने घर में अकेले 3 दिन के अनशन पर गई और उस महीने में चल रहे हिंदुत्ववाद और उसके व्यापक प्रदर्शन के खिलाफ YouTube पर इस चैनल से मैंने भाषण दिया। ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार था और है। मैं यहाँ उसका वर्णन नहीं करने जा रही हूँ। आप मेरा नाम गूगल करके आसानी से सारी वारदात जान सकते हैं। राष्ट्रीय समाचार चैनलों ने लगातार 5 दिनों तक मुझे जान से मारने की धमकी देने वाले ठगों के बयान चलाए। 5 दिनों तक बैक टू बैक मुझे कई हफ्तों तक अश्लील गालियों का सामना करना पड़ा। मुझे अपने बेटे को बोर्डिंग स्कूल में टेलीफोन करना पड़ा ये बताने के लिए कि बेटा तुम मजबूत रहो, क्योंकि ये लोग मुझे कभी भी जेल भेज सकते हैं। एक अति उत्साहित हिंदुत्ववादी राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्रों के माध्यम से मांग करता रहा कि मैं पब्लिक में अपना पता और आधार कार्ड बताऊं। क्यों? उनका क्या इरादा था? मुझे मेरे घर से निकाल देना? वो किसी दूसरे घर की ओर इशारा करते रहे जो मेरा नहीं था, झूठा दावा करते रहे कि मैं वहां रहती हूं। मेरी स्थिति की कल्पना करें। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चुप रहूं और उस घर में निर्दोषों पर हमला होने का खतरा रहने दूं, या अपना पता दूं
और उन्हें अपने बेटे और घरवालों पर हमला करने के लिए आमंत्रित करूं। उन्होंने मुझसे भारत से निकल जाने को कहा। उन्होंने कहा कि मैं देशद्रोही हूं। मैं देशद्रोही हूं? मेरे पास 3 डिग्रियां हैं, एक दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीवंस कॉलेज से मैथमेटिक्स में और 2 लॉ में, दुनिया के बहुत माने हुए विश्वविद्यालयों से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। मैं दुनिया में कहीं भी ऐशो आराम से रह सकती थी। मैंने यहां इंडिया वापस आने का फैसला किया क्योंकि मैं एक देशभक्त भारतीय हूं, क्योंकि मुझे बड़े होते हुए मेरे माता पिता, मेरे पिता को बहुत गालियां देते हैं ये लोग, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया था कि चूंकि मेरे पास सब कुछ है, इसलिए भारत की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन बीजेपी के ट्रोल्स ने मुझसे देश से बाहर निकल जाने को कहा और मुझे, मैं 2 बच्चों की मां हूं, मुझे तरह तरह के अश्लील बातें बताई सिर्फ इसलिए कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए खड़ी हुई थी। राम राम जी के नारे और मां दुर्गा और मां काली की तस्वीरों वाली फेसबुक प्रोफाइल से उन्होंने मेरी मां को भी गंदी गालियां दी। नेहा सिंह राठौर ने अपने काम की वजह से मिलने वाली अश्लील गालियों के बारे में भी बताया है। और ये लोग बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं। खैर, मैं यहां आपके सामने रोने धोने के लिए नहीं आई हूं। मैं आपको ये सब बता रही हूं ये दिखाने के लिए कि घर में अकेली मुझ जैसी एक साधारण गृहिणी के लिए भी मोदी शासन के प्रति अपना अकेला विरोध दर्ज करना कितना मुश्किल है। इसके बावजूद मैं बोलना बंद नहीं करूंगी। मैंने अपने परिवार, अपने पति और बच्चों को समझाया गया है कि ये समय है कि हम अपनी मातृभूमि, अपनी भारत माता के लिए बलिदान दें। मैंने अपनी मां की आंखों में जो मेरे लिए चिंता है, उससे अपनी आंखें मूंद ली हैं। मेरा परिवार मेरे साथ है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसे देखने वाले लोग निश्चित रूप से डरे हुए हैं। वो छिप छिप के मुझसे ऐसा बताते हैं। उनका कहना है कि वो मुझसे सहमत हैं, लेकिन खुलकर कुछ भी कहने से डरते हैं। सच तो ये है कि आज कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला हो रहा है। एक ऐसी चीज जो इस देश में मेरे 50 वर्षीय जीवन काल में मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। इस परिस्थिति में मुझ जैसे लोगों के लिए बोलना जारी रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं वहां बोलूंगी जहां दूसरे बोलने से डरते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे और मेरे जैसे लोगों को आपकी ये एक मदद चाहिए कि आप इस चुनाव में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले राष्ट्रीय स्तर के मंच को वोट दें, जो कि इस बार केवल और केवल इंडिया अलायंस है। AIMIM और BSP अकेले इसका वजन नहीं उठा सकते। इसके लिए पूरी इंडिया अलायंस चाहिए, जिसके मेंबरान और सहयोगी दल भारत के अलग अलग प्रांतों से हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। मैं केवल तभी तक बोल सकती हूं जब तक मुझे अंदर नहीं करा दिया जाता है, ये तो जाहिर है। और प्रत्येक विपक्षी उम्मीदवार जिसे आप यूपी के वोटर लोकसभा में भेजते हैं, मेरे जैसे लोगों के लिए सुरक्षा की एक और लकीर है। आखिर में अगर शासन मुझे चुप करना चाहता है, अगर मोदी शासन मुझे चुप करना चाहता है, तो वो ऐसा करेगा,
लेकिन लोकसभा में आने वाला एक एक इंडिया अलायंस का उम्मीदवार मोदी शासन के लिए ऐसा करना जरा और कठिन बना देता है और ऐसा करने से पहले मोदी शासन को अधिक समय लेने के लिए मजबूर करता है। हर एक विपक्षी उम्मीदवार जिसे आप लोकसभा में भेजते हैं वो मोदी शासन के लिए एक संकेत है कि संविधान अभी भी जीवित है। हिंदुत्ववादियों की बताई गई इतिहास के संस्करण का विरोध अभी भी जीवित है। हिंदू अंधराष्ट्रवाद का विरोध अभी भी जीवित है और मोदी शासन ने अभी भी सभी को चुप नहीं कराया है। और अभी भी कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के सामने का सामना करने के लिए मैदान में खड़े हैं। इसलिए यूपी के भाइयों और बहनों, आपको इस 2024 की लोकसभा में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सहयोगी दलों के अधिक से अधिक उम्मीदवारों को लोकसभा में भेजना होगा। यूपी के मुस्लिम भाइयों और बहनों, आपको इस चुनाव में अपने मतभेद भुलाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीछे एकजुट होना होगा। मैं असदुद्दीन अवैसी साहब और बीएसपी दोनों का सम्मान करती हूं, लेकिन मुस्लिम वोटों के विभाजन सीधे तौर पर मोदी शासन के पक्ष में जाते हैं। हर एक विभाजित वोट मोदी शासन को वोट देने के बराबर है और मेरे जैसे मोदी शासन के आलोचकों को खतरे में डालते हैं। इस बार हमें लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए राष्ट्रीय गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के पीछे एकजुट होने की जरूरत है। सामान्य परिस्थितियों में आपको केवल अपनी सोच के सबसे भरोसेमंद उम्मीदवार को ही वोट देना चाहिए, मैं ये मानती हूँ, और आपका वोट किसी रणनीतिक विकल्प द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। इस 2024 के वोट के लिए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप अन्य सभी विचारों को त्याग करके केवल और केवल लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता के मुद्दे पर ही वोट दें और इस उद्देश्य से इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को ही चुनें। यूपी के मुस्लिम भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये अपील एक ऐसे व्यक्ति होने के रूप में कर रही हूं जो एक कठिन समय में जिसने एक कठिन समय में आपके लिए मैं खड़ी हुई थी और जो मरते दम तक आपके लिए लड़ना जारी रखेगी। मैं इसे सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं मानती हूं, ये मेरी भी लड़ाई है। मैं ऐसे भारत को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों को पूरा सम्मान और पूरा प्यार नहीं देता। आपका अपमान मेरा अपमान है, आप पर जुल्म मुझ पर जुल्म है। मेरे अनशन पर हुए विवाद के दौरान जब लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए, तो मैंने खुद से कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चों के आंसू इस बंजर मोहब्बत से महरूम जमी को सींचेंगे और एक बार फिर प्यार के नौनिहाल यहां उगेंगे। इस सब के नाम पर मैं आपसे इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों के पीछे एकजुट होने का अनुरोध करती हूं। एक और बात, आप ये ना सोचे कि अगर आपने जीतने वाले उम्मीदवार को वोट नहीं दिया तो आपका वोट बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहली बात, यूपी के कई सीटों पर अगर सेक्युलर वोट एकजुट हो जाए तो वो बीजेपी के उम्मीदवार को हरा सकता है। दूसरी बात, भले ही आपका वोट विपक्ष के उम्मीदवार को सांसद में ना पहुंचाए, लेकिन अगर विपक्षी उम्मीदवार का वोट मजबूत होता है, नामुदार होता है, तो वो मोदी शासन को एक संदेश देगा। वो पीएम मोदी को दिखाएगा कि भारत में हर चुनावी मुकाबले में उनका वॉकओवर नहीं है, कि पोलराइजेशन और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का प्रभाव सीमित है, और इस सब से मोदी शासन को मिडिल ग्राउंड यानी समझौता
सुलह और मेल जोल का रास्ता खोजने और अधिक संतुलित बैलेंस्ड होने का कारण देगी जो वो अभी बिल्कुल नहीं है। और ये मुझे एक और बात पर लाता है जिसे मैं केवल मुस्लिम मतदाताओं को नहीं बता रही हूं बल्कि बसपा और अन्य विपक्षी दलों के समर्थकों को भी इससे संबोधित कर रही हूं। मैं उन पार्टियों के लिए आपकी प्राथमिकता का सम्मान करती हूं जो इंडिया अलायंस में नहीं है, वो भी विपक्षी दल हैं, लेकिन इस देश में विपक्ष के जीवित रहने और पनपने के लिए हमें असहमति और आलोचना के लिए एक किस्म के माहौल की जरूरत है। एक ऐसा माहौल जहां लोग बिना किसी डर के खुल के सरकार का विरोध कर सकते हैं, यही तो लोकतंत्र है। एक ऐसा माहौल जहां लोकतांत्रिक अधिकारों की मान्यता हो, जहां विपक्ष को चुप कराने के इरादे से सरकारी एजेंसियों का खुलेआम इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पीएम मोदी का ये कहना कि सरकारी एजेंसियों के इन्वेस्टिगेशन में जो लोग हैं उनमें से केवल 3% राजनेता हैं, वो इस बात का कोई जवाब नहीं। सवाल ये है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं के पीछे एजेंसियां क्यों पड़ी हैं, और जब कोई नेता विपक्ष से बीजेपी में आ जाते हैं तो उनपे कार्रवाई रुक क्यों जाती है? जिन नेताओं को जेल में डाला गया है उनमें से कितने बीजेपी से हैं? अगर पीएम मोदी को अपने मौजूदा रास्ते पर चलते रहने दिया गया तो हमारी राजनीति के माहौल से वो विपक्षी दलों की सारी ऑक्सीजन खींच लेंगे। आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि 2024 में मोदी की जीत किसी भी विपक्षी दल या नेता का एकदम सफाया तो नहीं करेगी? शायद वो बने रहेंगे, लेकिन किस रूप में? वो काम कैसे करेंगे? अगर लोग डरेंगे तो इन पार्टियों के लिए आगे ही नहीं आएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ यही कोशिश की जा रही है और काफी हद तक आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये चाल कामयाब भी हुआ है। उनके कई विधायक और सांसद या तो गायब है या चुप है। इसलिए मैं कहती हूं कि 2027 के चुनाव में, ये वाला नहीं जो अगला वाला है, उस चुनाव में हमारे राजनीतिक परिदृश्य में किसी भी गैर भाजपा आवाज की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए, इस बार आप वोट इंडिया अलायंस को ही दें। यूपी में सपा, कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं इंडिया अलायंस में, उन्हीं को ही दे। और मुझे यूपी में बीजेपी समर्थकों से भी कुछ कहना है। दिल्ली में जिन बीजेपी समर्थकों को मैं बरसों से जानती हूं, जो आजीवन कांग्रेस के विरोधी रहे हैं, जो इमरजेंसी के दौरान अंडरग्राउंड हो गए थे, जिन्होंने उस दौरान जेल सही और जिन्होंने बीजेपी को 2 सीटों से आज इस ऊंचे मुकाम पे लाने के लिए संघर्ष किया, वो स्वयं कहते हैं कि बीजेपी अब वो नहीं रही जो पहले थी, कि बीजेपी में अच्छे लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है कि पीएम मोदी ये भी सुनिश्चित करते हैं कि आपके यूपी के भाइयों बहनों, आपके सीएम योगी जी की छवि ज्यादा बड़ी ना हो जाए। ये सब आपके पार्टी बीजेपी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए यूपी में बीजेपी के सपोर्टर को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि ये वोट 2024 का लोकसभा वोट मोदी को उनकी उस आदत से छुटकारा पाने का संदेश बने कि वो किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देते, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। मेरे अंग्रेजी वीडियो में मैंने बीजेपी के मंत्री और नेताओं की योग्यता की तुलना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस में इंडिया अलायंस के नेताओं और पार्टीजनों से की, जिसमें मैंने बताया कि कैसे मोदी जी का एक पैटर्न है कि वो अपने शिक्षित सहयोगी, जो एजुकेटेड कॉलीग्स हैं, उनको या तो हटा देते हैं या किनारे कर देते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैंने पूरे उसमें फैक्ट्स और डेटा दिए हैं। नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और जनरल वीके सिंह पर आप विचार करें। दरअसल गाजियाबाद में पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की जगह 12वीं पास कैंडिडेट को टिकट दिया गया है।
डॉक्टर हर्षवर्धन और मीनाक्षी लेखी जैसे दिल्ली भाजपा के जाने माने नेताओं की जगह ऐसे नए चेहरों को टिकट दिए गए हैं जिनका दिल्ली में कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन और मीनाक्षी लेखी पढ़े लिखे हैं, आर्टिकुलेट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और मतलब उनकी बातें तो मुझे पसंद नहीं लेकिन वो अच्छा भाषण वगैरह करते हैं और दिल्ली में बार बार अपनी सीटों से जीत चुके हैं। इसलिए यूपी में बीजेपी समर्थकों को भी वोट डालने से पहले खूब सोचना चाहिए। यूपी में स्टेट लेवल पर भाजपा पहले से ही सत्ता में है, इसलिए इस लोकसभा चुनाव में आप पार्टी चिन्ह से परे सोच सकते हैं इसके बारे में कि पार्टी का भविष्य सुरक्षित रहने के लिए आप पीएम मोदी को संदेश भेजे कि जो सब हो रहा है कुछ ज्यादा ही हो रहा है और इन सब में एक चुनाव ये वाला शायद जीता जा सकता है, लेकिन बीजेपी के दीर्घकालिक विनाश लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन के बीज भी बोए जा रहे हैं। अंत में मैं फिर से यूपी के भाइयों और बहनों से अपनी अपील दोहराती हूं कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पीछे एकजुट हो जाए, इंडिया अलायंस को समर्थन दें और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों को भारी तादाद में वोट दें। मुझे जो कहना था उसे सुनने के लिए धन्यवाद, और यदि आप अब भी मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो ठीक है, आपको मेरा सलाम नमस्ते। बस आप मुझसे नफरत ना करें। आपके विचार बदलने की मेरी इस कोशिश को लेके मुझ पे गाली गलौज ना करें। इंडिया अलायंस को वोट देने के लिए आपको मनाने की मेरी ये कोशिश कोई अपराध नहीं है, और जब मैं ऐसा करती हूं तो मैंने आपसे कुछ छीना नहीं है और ना तो कुछ चुराया है। आइए हम सब कम आक्रामक और अधिक सभ्य बनने का प्रयास करें और पॉलिटिक्स की बात करते समय कम से कम एक दूसरे की मानवता को मन में रखें। जय हिंद।